तो चलिए जी, एक और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। और अभी मैं फिर से जा रहा हूँ आई केयर हॉस्पिटल, क्योंकि आज मेरा अपॉइंटमेंट है। तो अभी मैं अपनी आँखों को फिर से दिखाने जा रहा हूँ। तो भाई साहब, रिस्क तो है यहाँ ब्लॉगिंग करने में, कभी भी गाड़ी उड़ा सकती है। तो हमारा अपॉइंटमेंट जो है दिन का 3 बजे का है, तो 5 मिनट बचे हैं, तो हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं अभी, क्योंकि अगर लेट हुए तो वहाँ कोई और चले जाएगा, फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए थोड़ा भागना पड़ रहा है। तो चलिए जी, लगभग हम पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले चेकअप कराता हूँ, फिर देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। तो मुझे सामने वाले सेंटर में दिखाना है। तो चलिए जी, अभी 4 बजे और 1 घंटे तक अंदर जो प्रोसेस थी वो सारी चली, और कुछ जाँच थी वो भी करवाई। और वो बोल रहे हैं कि अभी जो मेरी दाएँ आँख है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और इलाज करना पड़ेगा, यानी कि सर्जरी होगी बल कुछ, और अगर नहीं कराई तो डैमेज हो सकती है आँख। हर चीज़ मेरे लिए बना रखी भगवान ने, ऐसा लगता है कभी कभी। फिर हमने उनसे सारी डिटेल ली, क्या होगा, कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो वो सारा बता दिया उन्होंने हमें। तो अभी देखते हैं कब से क्या करना है। और नॉर्मली एक जाँच हुई अभी 2000 रुपये की, तो उससे पता चला। रिपोर्ट तो मेरे हाथ में है, अभी मैं भाई के हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा एक्सरे होना है, पीछे दर्द हो रहा पीठ पर पूरा, तो वहाँ एक्सरे भी करवा लेता हूँ थोड़ा। तो फाइनली हम ओला कैब पे बैठ गए हैं, तो हम यहाँ से भाई के हॉस्पिटल में जा रहे हैं अभी। और बाकी मुझे किसी सब्सक्राइबर ने आज मैसेज भी किया था कि आपकी जो भी जांच होगी सब फ्री होगी, तो वो मुझे भाई की तरह मानते हैं। तो पहले तो बहन का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सोचा मेरे लिए। और उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा था कि मुझे कॉल कर लेना, जो भी हेल्प होगी पूरी कराएंगे। तो चलिए, आपने इतना सोचा उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मुझे खुद सही नहीं लगा कि मतलब मैं आपको डिस्टर्ब करूँ, आपने मेरे लिए इतना भी सोचा उसके लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए जी, फाइनली हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। चलिए जी, अभी मेरा एक्सरे हो रहा है, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सोया नहीं जा रहा मुझसे। तो चलिए जी, एक्सरे भी हो गया है। तो चलिए जी, एक्सरे हो गए हैं, इस रिपोर्ट को आप डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। तो चलिए जी, अभी मैंने फिजियोथेरेपी भी ले ली है, एक हल्का आराम तो है अभी। तो समय अभी 7:48 हो रहा है और अभी भी हम हॉस्पिटल में ही हैं। और अभी मैं जहाँ पे बैठ रखा हूँ ये रेडियोलॉजिस्ट रूम है। तो चलिए जी, फाइनली रात के 8 बज रहे और घर चलते हैं यहाँ से अब। तो चलिए जी, अभी मैंने चश्मे भी वहाँ ऑर्डर पे दे दिए हैं, तो एक दो दिन में चश्मे बन के भी तैयार हो जाएंगे। तो डॉक्टर ने मुझे अभी बोला है कि अभी चश्मे लगाओ, बाकी 6 महीने बाद फिर टेस्ट कराना। तो अपने ओला भी आ गए, अब घर चलते हैं सीधे। तो चलिए जी, फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। चलिए जी, फाइनली पहुंच गए। भाभी जी, क्या हाल है? बढ़िया लग तो नहीं रहा सकल से? बढ़िया। हेडेक हो रहा? ओहो, भाभी जी को भी हेडेक हो रहा भाई, हेडेक की बीमारी तो मेरे को खतरनाक वाली। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया। खाना खुना खा लिया? अब खाओगे नहीं तो अब सही है। बाकी 9:15 हो रहा है और भाई दिन की 3 बजे से जा रखे हैं और अब जाके घर आ रहे हैं। अरे वाह, भाभी जी का सीरियल देखो यहाँ, छोटे बच्चे वाले, वाह चलो बढ़िया बढ़िया। ये क्या बनाया जा रहा भाभी? हाँ बोलते कुछ भी होंगे पर बन क्या रहा है? अच्छा अच्छा, हेडेक हो रहा है। ठीक 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 ठीक, सर के लिए बना रहे हैं आप इसको? मैं सोच रहा कोई जड़ी बूटी बना रहे हैं आप, तब ठीक है, तब ठीक है। तो चले जी, रात के खाने की तैयारी हो गई और बाकी आज खाने में बना रखी है आलू गोभी की सब्जी और राजमा की दाल और रोटी और दही। बाकी सामने वाले बिस्तर के ऊपर भाई साहब खा रहे हैं खाना और भाभी जी देख रहे हैं। आज आप नहीं खा रहे? हाँ, किसी ने बोला कि भाई बोल मुस्कुराते नहीं, थोड़ा मुस्कुराओ यार एक बार जरा। क्या करें भाभी है सामने पे। भाभी आप तो मुस्कुरा लो है या तो भैया बोल रहे भाभी मुस्कुरा सकते लेकिन हम नहीं मुस्कुरा सकते बोला वो। चलो ठीक है ठीक है। खाओ खाओ, खाना खाओ पहले। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जी, मैं सोने की तैयारी कर रहा था, मुझे पता ही नहीं कि भाभी लोगों ने और जाई लोगों ने केक मंगा रखा है और मैं एकदम सरप्राइज हो गया भाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बाकी आप लोग ऐसे अपना प्यार बनाए रखो,
वैसे तो लोग 100K पे 50K पे केक काटते हैं, लेकिन चलो हमारे लिए एक एक सब्सक्राइबर मायने रखता है, तो आज 64,000 प्लीज केक काटते हैं भाई। बोलते ना खुशियों का बहाना ढूंढना पड़ रहा है। वैसे सब्सक्राइबर मेरे कल हो गए थे 64,000, लेकिन आज मौका मिला ये सेलिब्रेशन मनाने का, क्योंकि तबियत थोड़ा ठीक है आज और अच्छा लग रहा है भाई आज। चले फिर ठीक है, हमसे ज्यादा तो बेताब भाभी हो रही है इसको खाने के लिए। तो चलिए जी फाइनली केक आधा खा भी लिया भाभी ने क्योंकि ज्यादा डिमांड भाभी की और भाभी बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, 3-4 दिन तक खाऊंगे उसको आराम से, अंदर फ्रिज में रखे हैं भाभी जी, नाराज क्यों थे? क्यों थे आप नाराज? चलिए जी भाभी भी काफी खुश है आज। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा कि 64,000 सब्सक्राइबर की खुशी है कि केक आने की खुशी है। दोनों दोनों। चलो बढ़िया बढ़िया। चलिए जी फाइनली केक खाने के बाद भाभी की मुस्कुराहट देखो जरा, भाभी कैसा लगा केक? बहुत अच्छा नहीं? और भाभी ने सारा केक अंदर छुपा दिया है फ्रिज में, और जियाजी और भैया भी खाने वाले थे लेकिन क्या करें, भाभी ने सीधे बोला ले जाओ इसको अंदर, आओ कल खाओगे नहीं? हाँ अब 3-4 दिन तक चलता रहेगा वो केक। चलो बढ़िया बढ़िया, कल ही कल, चलो तब तक 65,000 हो जाएंगे, 65,000 का भी काटेंगे, ठीक है? चलो सही है भाई सही है। बाकी जी आज आपने खा लिया केक? खाने ही नहीं दिया नहीं? तो जियाजी और भैया थोड़ा नाराज है क्योंकि भाभी जी ने सारा केक अंदर छुपा दिया है, जियाजी नहीं बोल पा रहे यहाँ पे कुछ अभी। चलो अपने गम को हंसी में ही टाल दो, क्या करें। थोड़ा थोड़ा हंस रहे हैं, थोड़ा भाभी की तरह भी देख रहे हैं। वह जी आज सोच रहे रात को 12-1 बजे जाऊंगा। भाभी ने लॉक लगा दिया वहां फ्रिज में। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सही है जो भी है सही है, चलो कोई बात नहीं। तो चलिए जी आप लोग जितने भी पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं सारे कमेंट भाभी जी पढ़ते हैं, स्पेशली जो भाभी के लिए कमेंट आए हुए रहते हैं उनको तो ज़्यादा ही गौर करते हैं। जैसे मैं आज हॉस्पिटल से आया तो भाभी खुश हो रहे थे कि मेरे लेवल इतने सारे कमेंट आ रहे थे। तो जितने भी लोग हैं भाभी के लिए भर भर के कमेंट करो भाई, भाभी खुश हो जाती है, पर एक बार तारीफ करना भाभी की। अगर आप कुछ नेगेटिव कमेंट करोगे तो हमारा कल का खाना बंद हो जाएगा। इसीलिए भाभी को खूब तारीफ करो। अभी वीडियो में भाभी जी कमेंट पढ़ रहे हैं, खूब लिखना कल भाभी ने, भाभी आप क्यूट हो, जो भी लिख सकते हैं लिखो लिखो लिखो। और हो सके तो हमारे डॉक्टर साहब के लिए भी लिखो कुछ। अरे हमारे लिए मां लिख दो बस, वही बहुत है भाई साहब। तो हमारे भैया का बोलना है कि धर्मपत्नी के लिए लिख दो, वही बता रहा है। जी आज अलग ही लहर में चल रहे हैं आज। ये केक फंस गया। जब घर में सब स्वास्थ्य रहते हैं ना, अच्छे रहते हैं तो अच्छा भी लगता है। अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, जब टेंशन रहते हैं कोई बीमार कोई बीमार तब अलग ही है। तो चलिए जी केक खाने के बाद सब लोग पागल हो गए। हाँ सब खुश रहो, हंसते रहो और खुश रहो, खुशी के आगे कुछ नहीं है। सही बात, खुशी बराबर वो खराब नहीं है।